आज का टॉपिक है पॉलीथीन, इसे पॉलीइथीन भी कहते हैं। ये दो प्रकार का होगा। पहला है लो डेंसिटी पॉलीथीन, लो डेंसिटी पॉलीथीन या पॉलीइथिलीन, पॉलीथीन या पॉलीइथिलीन दोनों एक ही चीज़ होगा। तो लो डेंसिटी का जो यूज होता है वो होता है जनरली जो हम लोग पॉलीथीन यूज करते हैं वही लो डेंसिटी है, और दूसरा होता है हाई इथिलीन, हाई डेंसिटी पॉलीथीन या पॉलीइथिलीन। तो हाई डेंसिटी का यूज होता है डस्टबिन बनाने में या फिर पाइप बनाने में। तो ये दोनों बनता है किससे? CH2, इसको कहते हैं इथिलीन। IUPAC नेम होता है इथीन, कॉमन नेम होता है इथिलीन। ये IUPAC भी याद रखिए, कॉमन नेम ऐसे इथिलीन होता है। इसका बहुत सारा मॉलिक्यूल लिया जाएगा और जब ये आपस में मिलेगा तो डबल बॉन्ड बदल गया सिंगल बॉन्ड में, और ये बार बार रिपीट होगा चैन आगे तक। और होल एन लिखने का मतलब हुआ नीचे होल एन है, इसका मतलब कि बहुत सारा इथिलीन आपस में जुड़ गया, तो ये बन गया आपका लो डेंसिटी पॉलीथीन या पॉली इथिलीन। सेम यही चीज़ यहाँ भी लिखाएगा, CH2 डबल बॉन्ड, CH2N मॉलिक्यूल लिया जाएगा, इधर CH2 डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हो गया, फिर N। अंतर कौन सी का है? अंतर इसका है यहाँ पर टेम्परेचर लेना है 473 केल्विन, प्रेशर लेना है या दाब 1500 एटमोसफेयर, ऑक्सीजन की उपस्थिति में रिएक्शन कराना है। और यहाँ जो टेम्परेचर 473 था तो हाई डेंसिटी में ये कितना होगा? 373 से 343, और प्रेशर यहाँ 1500 था, यहाँ 6 से 7 होगा। इसको याद रखना है, इसमें उत्प्रेरक होता है जिगलर नट्टा कैटेलिस्ट, इसका फॉर्मूला इसे याद पूछता नहीं है, TiCl4 प्लस AlC2H5 का होल थ्री, TiCl4 प्लस AlC2H5 का होल थ्री। तो आपसे यदि पूछेगा कि पॉलीथीन का मोनोमर कौन होता है तो इथीन, लो डेंसिटी रहे चाहे हाई डेंसिटी रहे। अब पूछेगा कि हाई डेंसिटी पॉलीथीन में किसका यूज किया जाता है, तो जिगलर नट्टा कैटलिस्ट का। टेम्परेचर प्रेशर याद रखना है कि पूछेगा लो डेंसिटी में कितना टेम्परेचर प्रेशर होता है, ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। सब्जेक्टिव में इसे यही पूछ सकता है कि पॉलीथीन का मोनोमर कौन होता है, तो इथिलीन। रिएक्शन का भी आज तक नहीं पूछा है, लेकिन रिएक्शन को याद करते चलिए, कोई ठीक कोई पूछ भी सकता है। तो लो डेंसिटी और हाई डेंसिटी दोनों क्या हुआ? पॉलीथीन। ये जनरली कहाँ यूज होता है? जो हम लोग यूज करते हैं पॉलीथीन के रूप में। और यह हाई डेंसिटी का यूज होता है कहाँ? डस्टबिन बनाने में, पाइप बनाने में, बोतल बनाने में, खिलौना बनाने में। इसको याद रखना है, ये पूरा टॉपिक था पॉलीथीन। ज़्यादा इसमें किसी भी बोर्ड में अधिकांश बार पूछता है कि पूछेगा कि पॉलीथीन का मोनोमर कौन होता है, क्वेश्चन भारी रहेगा तो पूछेगा हाई डेंसिटी में टेम्परेचर प्रेशर तो नहीं है पूछेगा, ये पूछेगा जिगलर नट्टा कैटलिस्ट किसमें यूज होता है, हाई डेंसिटी पॉलीथीन में। दोनों में मोनोमर कौन होता है? इथिलीन। एन का मतलब क्या हुआ? बहुत सारा मॉलिक्यूल है, इसका मतलब 10, 20, 50, 100 कुछ भी हो सकता है। डबल बॉन्ड किस में बदलता है? सिंगल बॉन्ड में। ये इसका मतलब हुआ कि बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए बाया दाया बॉन्ड दिखा दिया गया है। नीचे एन लिखने का मतलब कि ये सारा इकट्ठा जुड़ गया है आपस में, बाएँ वाला हमेशा मोनोमर, दाएँ वाला हमेशा पॉलीमर। एग्जाम में जब भी पूछता है तो पॉलीमर का नाम देता है, मोनोमर का नाम पूछेगा, लेकिन ये कैटलिस्ट याद रखना है। फॉर्मूला तो नहीं पूछेगा, लेकिन फॉर्मूला नोट कर लीजिए, उपयोग जानकारी के लिए समझ लेना है कि कहाँ कहाँ इसका यूज होता है।